हेलो फ्रेंड्स, आपका रीना किचन रेसिपी में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नारियल की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए देखिए, मैंने एक नारियल को छिलके काट लिया है, मूंगफली मैंने लिया है एक कप, लहसुन और कुछ मिर्च मैंने लिए हैं। अब सबसे पहले हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे। जब से तक मूंगफली से हमें चटकने की आवाज़ नहीं आ जाती है, सोंधी सोंधी खुशबू नहीं आने लगती है, तब तक हमें मूंगफली को लगातार चलाते हुए भूनना है। अगर हम लगातार नहीं चलाएंगे तो मूंगफली एक साइड जल जाएगी और एक साइड कच्ची रह जाएगी, इसलिए हमें इसे लगातार ही भूनना है। मूंगफली से अब चटकने की आवाज़ आने लगी है, थोड़ी सी और मैं भून ले रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा कच्चापन है इसमें। और देखिए, मैंने लगातार इसे भूना है चलाते हुए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करते समय ऑल बटन को ज़रूर क्लिक करें। देखिए, मैंने गैस बंद कर दिया है और मूंगफली अच्छी तरह से अब रोस्ट हो चुकी है। देखिए, हाथ से मैं छू के देख रही हूँ, छिलके आराम से उतर जा रहे हैं। ठंडा होने पर देखिए, मैंने सारे मूंगफली के छिलके को निकाल लिया है हाथ से मल के आराम से आप निकाल सकते हैं। अब एक जार लेंगे, जार में देखिए मैंने मूंगफली डाल दिया है और इसमें अब नारियल को अच्छी तरह से छील लीजिएगा। पीछे का जो काला वाला पार्ट होता है ना, उसे मैंने छील लिया है। और लहसुन और मिर्च मैं डाल रही हूँ, आप इसकी जगह लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं। अब इसे हम मिक्सी को जार में सभी चीज़ डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम फाइन पीस लेंगे। देखिए, हमारी चटनी अब पीस चुकी है। ये चटनी खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप इसे उत्पम, उपमा, इडली, डोसा, किसी भी साउथ इंडियन खाने के साथ इसे आप परोस सकते हैं, या फिर चावल दाल या रोटी के साथ भी खाइए। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये चटनी, एक बार ज़रूर बना के देखिए। अच्छी तरह से हम जार से चटनी को निकाल लेंगे। अब चटनी पीस चुकी है तो इसमें अब हम नमक मिलाएंगे। स्वाद के अनुसार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब चटनी में हम तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए देखिए, मैंने तड़का पैन में सरसों का तेल डाला है। अब तेल को हम गर्म होने देंगे। तड़के के लिए देखिए, मैंने लाल मिर्च, राई और कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं। तेल गरम होने के बाद मैंने देखिए डाल दिया है सभी सामानों को। अब हम तेल में हल्का से हिलाएंगे। चटक गई है हमारी जो तड़का है, अब हम इसे डाल देंगे चटनी में। डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हो गई है चटनी खाने के लिए तैयार। आप इसे अब किसी भी चीज़ के साथ, साउथ इंडियन खाना जो भी है, इडली डोसा जो भी आपने घर में बनाया है, या उत्पम, उपमा, आप उसके साथ आराम से परोसिए और चटनी का आनंद लीजिए। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरा सपोर्ट ज़रूर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।